Hello student, I am Vishal sir and today I am going to teach you about electric field and electric field intensity. So first of all, we will talk about electric field. Electric field के बारे में हम लोग समझते हैं कि electric field है क्या। तो एक एक्सपेरिमेंट जो है वो आप लोग हमेशा घर पर भी करते होंगे या क्लास में भी करते होंगे कि छोटे से पेपर के टुकड़े को तोड़कर बेंच पर रख लेते हैं और पेन को बाल में जैसे ही रब करते हैं पेन क्या हो जाता है, चार्ज हो जाता है। और जैसे ही पेपर के टुकड़े के सामने उस पेन के पेन को लाते हैं तो वो पेन का जो भी पार्ट है, बॉडी जो है, वो पेपर के टुकड़े को क्या करता है, पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लेता है। तो अगर यहां पर छोटे छोटे टुकड़े हैं और पेन को अगर हम लोग यहां पर इतना नजदीक लेकर आते हैं तो ये आराम से खींच लेता है, लेकिन यही पेन को अगर हम लोग कुछ हाइट पर रखते हैं तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फोर्स नहीं लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, ये भी इस रीजन में आ रहा है, ठीक। लेकिन इसका फोर्स यहां पर उतना सफिशियंट नहीं है कि ये अट्रैक्ट कर पाए। तो ये दो चीज है, एक कि इसका रीजन और दूसरा इस रीजन में अलग अलग पॉइंट पर इसके फोर्स का स्ट्रेंथ। तो वही दो चीज को डिफाइन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा एरिया अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, या एरिया अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स के इफेक्ट में आने वाला जितना भी कंप्लीट रीजन है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, एरिया अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। अब ये यहां पर हम लोग पेन डाले थे तो ये जो है फोर्स इस पर लगा रहा है, लेकिन इस पेपर के टुकड़े पर नीचे एमजी भी तो लग रहा है, ऊपर लग रहा है जो भी इलेक्ट्रिक फोर्स। जब तक ये एफ ई ग्रेटर देन एमजी नहीं होगा तब तक ये पीस ऑफ पेपर ऊपर की ओर नहीं उठेगा। तो यहां पर जब ज्यादा ऊपर लेकर जा रहे हैं तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स यहां पर कमजोर हो जा रहा है और एमजी मेरा क्या हो जा रहा है, मजबूत हो जा रहा है। इस कारण से ये पीस ऑफ पेपर जो है वो ऊपर तक नहीं उठ पा रहा है। तो अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना का स्ट्रेंथ जो है वो अलग अलग होता है, क्योंकि वो अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग फोर्स अप्लाई करता है, अलग अलग फोर्स एक्सर्ट करता है। तो उस चीज को समझने के लिए हम लोग कौन से टर्म का यूज करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीटली थ्योरेटिकल टर्म है, ठीक। तो इसके स्ट्रेंथ को समझने के लिए हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, ओके। सो हियर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसे डिनोट करते हैं, और ये कौन सा वेक्टर क्वांटिटी, ये है लोकलाइज वेक्टर, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये हमको क्या बताता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के कारण या चार्ज बॉडी के कारण किसी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। अच्छा, एक चीज है कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कौन करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज, है ना। टेस्ट चार्ज क्या होता है ऐसा समझिए, अगर किताबी भाषा में बोले तो टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो यूनिट अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज होता है,
है ना, जिस पर फोर्स लगाने को वो सिर्फ एक्सपीरियंस करता है और वो एग्जर्ट नहीं करता है, मतलब रिस्पॉन्ड नहीं करता है उतना, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस करता है कि हाँ भाई मेरे पे इतना फोर्स लगाया जा रहा है। इसका आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक बताते हैं। हमारे बिहार में एक पर्व होता है छठ, छठ पूजा, ठीक। तो वहां पर ऐसा है, मान्यता है कि वहां का प्रसाद होता है ठेकुआ ये सब, तो बच्चों को या फिर किसी को भी प्रसाद चढ़ने से पहले नहीं खाना है। तो मेरे गांव में एक लड़का था, वो उसको मिला हुआ था कि सबके यहाँ प्रसाद बांटना है, तो वो सबके यहाँ प्रसाद बांटा और कुछ बचा भी लिया और बचाने के बाद उसको कुछ खा भी लिया, तो वो नहीं खाना है। खाने पर मतलब दंड दिया जाता है, पता चल जाता है लोगों को, अभी तक तो ऐसा नहीं देखे कि जो खा के भी बचा ले, है ना, तो वो पता चल जाता है। तो जैसे ही वो पता चला, सब लोग उसको मुंह पर मारना स्टार्ट करता है ताकि उससे उसका पाप कट जाए, ठीक। तो यहां पर वो जो लड़का है वो बन जाता है टेस्ट मास या टेस्ट चार्ज, मतलब अभी हम टेस्ट अमाउंट के बारे में बता रहे, ठीक। और उस घाट पर जितने भी लोग हैं सब इसके मुंह पर मारना है, इसको पीटना स्टार्ट कर देते हैं, और यहां तक इसको पता भी नहीं चलता है कि कितने लोग मार रहे हैं, बस वो सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकता है कि ये 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये 7.5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ये 11 न्यूटन का फोर्स लगाया, बस ये एक्सपीरियंस करके बताएगा हाँ इसने जो है मुझे 7.5 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसने जो है मुझे। तो वहां पर ये जो बॉडी है ये अगर चार्ज के रूप में देखेंगे तो ये बन जाता है टेस्ट चार्ज, जो फोर्स लगा रहे हैं वो हो जाएंगे सोर्स चार्ज, ठीक। तो फोर्स लगाने वाले सोर्स चार्ज, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, ये हाथ वगैरह सब जो होता है कि हाँ हम भी चला के मारते हैं ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक है, क्योंकि इस पर एक साथ इतना अधिक फोर्स लगता है कि ये सिर्फ अभी समझे समझे तो तब तक तो कितना खींच दिया जाता है। तो टेस्ट चार्ज वैसे होते हैं, इसी टाइप का, इसी टाइप का प्रॉपर्टी होता है टेस्ट चार्ज का, है ना, वो सिर्फ एक्सपीरियंस करता है कि मुझ पर कितना फोर्स लग रहा है, वो रिस्पॉन्ड करने के लायक नहीं होता है, ओके। तो अब इस आधार पर अगर हम लोग डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहलाएगा कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, है ना। E इज इक्वल टू हो जाता है F बाई क्यू नॉट, यहां पर वेयर क्यू नॉट जो है वो आपका क्या है टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट क्या है टेस्ट चार्ज है। अगर हम लोग इसका मॉड के रूप में देखेंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा F बाई क्यू नॉट, ठीक। यूनिट देख लेते हैं, यूनिट इसका हो जाता है, यूनिट जो है न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर हो जाता है, डायमेंशन जो है, डायमेंशन जो है एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन ये हो जाता है, ठीक। अब यहां पे देखिए टी टू द पावर माइनस थ्री है और ए टू द पावर माइनस वन ये है, ये इसका डायमेंशन हो जाता है, ये सब बेसिक टर्म है, है ना। अब इसका यूज जो है, इस फॉर्मूले का यूज हम लोग, ये काफी इंपॉर्टेंट है जेई या नीट के नजरिए से देखा जाए तो, सिर्फ इस फॉर्मूले से देखिए कितना ज्यादा डेरिवेशन, मतलब कितना अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का मतलब होता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इंटर कर रहा है तो उस पर फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा वो देखने वाली बात है। तो अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है,
अगर हमारे पास इफ वी है, इफ वी हैव पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर डायरेक्शन जो है फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, है ना, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक। और अगर हमारे पास इफ वी हैव नेगेटिव चार्ज, तो फोर्स जो है फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक। तो ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स लगने से अगर मान लेते हैं कि आप दौड़ रहे हैं और पीछे से आकर कोई आपको धक्का दे दिया, तो धक्का देने के बाद निश्चित रूप से आपका एक्सीलरेशन होगा, तो वो एक्सीलरेशन कितना होगा, है ना। अगर आप जा रहे हैं और कोई रस्सी आपके कमर में फेंक के और आपको किसी दूसरे डायरेक्शन में खींचता है, तो आप अपने एक्चुअल पाथ से भटक जाइएगा, तो आप में डेविएशन भी होगा, तो वो कितना होता है। तो ये सारे के सारे टर्म्स जो है हम लोग देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस जो है आपका नीट या जेई में डायरेक्ट इसी से क्वेश्चन नहीं आता है, ये फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन नहीं आता है, वो अदर चैप्टर से भी रिलेट करता है। तो देखते हैं किस प्रकार से रिलेट करता है। जैसे अगर कोई चार्ज पार्टिकल है ना, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में जैसे एंट्री कर रहा है, ये एंट्री कर रहा है, ठीक। तो एंट्री करने के बाद जैसे ही इसको यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, या फिर ये यहां पे स्टैटिक फॉर्म में, यहां पर स्टैटिक फॉर्म में, और जैसे ही हम लोग यहां पर एक चार्ज प्लेट लाते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगता है, तो इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। और अब ये पहले इस पर चार्ज क्यों था, है ना, अब ये स्टैटिक पोजीशन में नहीं रहेगा, अब ये मूव करेगा, क्यों, क्योंकि इसमें फोर्स लगने के कारण एक्सीलरेशन होगा। कितना एक्सीलरेशन होगा, तो देखिए इसका जो मास है एम है ना, तो नेट फोर्स जो है एफ इज इक्वल टू एम ए होगा, लेकिन ये एम ए किस कारण से लग रहा है, इस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण से, एफ ई के कारण से, तो ये एफ ई कितने के बराबर हो जाता है, क्यू ई। अभी हम लोग देखें तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई बाय ए, ठीक है, ये एक्सीलरेशन हो जाता है, ठीक। अब यहां पर इस फॉर्मूला का यूज करके अलग अलग आप काइनेमेटिक से क्वेश्चन जो है वो रिलेट कर सकते हैं, या एक क्वेश्चन है कि ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है जिसके कारण नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड ई न्यूटन पर कूलम है, ठीक। और यहां से एक ऑयल की ड्रॉप जो है वो नीचे गिराया जाता है जिस पर एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन है जिसकी डेंसिटी जो है रो दिया गया है, ठीक। इस पर चार्ज, अच्छा तो ये एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो निश्चित रूप से ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव भी चार्ज होता है। तो अब ये देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक, और इस डायरेक्शन में लगेगा इसका mg। तो बोल रहा है कि यदि किसी डिस्टेंस पर ये स्टैटिक हो जाए, मतलब रुक जाए, तो इस ड्रॉप का रेडियस कैलकुलेट कीजिए,
रेडियस इज इक्वल टू वाट। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये स्टैटिक पोजीशन पे है तो ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई जो है, यहां पर देखते हैं एफ ई जो है वो एम जी के इक्वल हो जाएगा। ओके तो ये क्यू ई इज इक्वल टू एम जी है ना, एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है क्यू इज इक्वल टू एन ई है ना, तो एन ई इज इक्वल टू एम जी। अब मास तो इसका दिया नहीं है तो मास कैसे निकालेंगे, तो हम लोगों को ये पता है डेंसिटी तो दिया है तो रो इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू हो जाएगा रो वी एंड ये स्फेरिकल टर्म स्फेरिकल शेप में आएगा ड्रॉप, तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये एम का वैल्यू है, इस एम के वैल्यू को यहां पर डाल देते हैं तो एन ई 4/3 पाई रो जी आर क्यूब, यहां से हम लोगों को रेडियस निकालना है तो आर क्यूब को आइसोलेट कर लेते हैं, आर क्यूब इज इक्वल टू एन ई बाई 4/ रो जी, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यूब रूट ए 3 एन ई बाई 4/ रो जी। ठीक तो यहां से हम लोगों को रेडियस मिल जाएगा। ठीक एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसमें करना क्या था बस ऊपर वाले फोर्स को, क्योंकि इक्विलिब्रियम के केस में है ना, बाद में हम आप लोगों को यह भी बताएंगे कि इक्विलिब्रियम तीन प्रकार के होते हैं है ना, किस समय पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम होता है, किस समय पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम होता है और किस समय इसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाता है ना, ये क्वेश्चन जो है हम लोग बताएंगे, इस पर भी क्वेश्चन बनाएंगे। फिलहाल अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर रिलेटेबल जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका, पहले हम लोग क्या किए कि इलेक्ट्रिक फोर्स को इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब वेट के बराबर किए, देन सबका वैल्यू क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है ये डाल दिए, एम इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब जो है वो डाल दिए और यहां से आर क्यूब को आइसोलेट करके और ये वैल्यू निकाल दिए। ठीक फिर एक क्वेश्चन ऐसे आता है ये चार्ज टनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निश्चित रूप से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऊपर से नीचे की ओर। अब जैसे ही कोई चार्ज पार्टिकल को मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको फेंका जाता है इसमें, तो अभी तक तो ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, इसके पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx ही होगा, लेकिन जैसे ही इसमें एंट्री करेगा अब इस पर एक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जिससे ये डेविएट होकर प्लेट के किसी पार्ट पर जाकर टकराएगा, मतलब यहां पर जैसे ही आ रहा है इसके पास एक ये पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी था इसके पास अब एक वर्टिकल वेलोसिटी भी आने लग रहा है। ठीक तो यहां पर क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि किस लेंथ पर जाकर टकराएगा या कितने देर में टकराएगा या फिर इसका डेविएशन कितना है, ये सब पूछा जा सकता है। तो फोर्स तो वही लग रहा है ना, E है और इस पर चार्ज Q है, तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू क्यू ई, तो यहां से एक्सेलरेशन जो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में Y डायरेक्शन में इट इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई बाई एम, ये हो जाएगा इसका। अगर हम लोग डेविएशन निकालते हैं y निकालते हैं y, तो y निकालने के लिए ये वर्टिकल जो सेपरेशन है वर्टिकल डेविएशन है इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला वही लगाएंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इनिशियल इसका ये y डायरेक्शन में इसका इनिशियल स्पीड क्या है वो जीरो है, क्योंकि जब ये इंटर कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में उस समय इसकी डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस के डायरेक्शन में था,
ठीक है, लेकिन एक फोर्स लगने के कारण उसका जो वेलोसिटी है वो जीरो से निकलकर और कुछ वेलोसिटी पे पहुंच जाए, तो वहां पर यूटी जो है वो जीरो कर देंगे, तो एटी इज इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये का वैल्यू डाल देते हैं, वाई इज इक्वल टू क्यू क्यू ई टी स्क्वायर बाई टू है ना। यहां से हम लोग देखेंगे तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q by m, ऐसा भी बोल दिया जाता है कि अगर जिसका q by m का रेशियो, दो तीन क्वेश्चन दे, दो तीन चार्ज पार्टिकल जो है वो निकाल देगा और बोलेगा कि किसका q by m का रेशियो ज्यादा है, जैसे इसका डेविएशन ज्यादा है ना, पूछेगा या तो वन टू थ्री किसका चार्ज टू मास रेशियो अधिक है, तो जिसका डेविएशन ज्यादा हो, क्योंकि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q by m, तो इसका चार्ज टू मास रेशियो अधिक है, क्यों, क्योंकि इसका डेविएशन अधिक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर ये भी पूछेगा कि किस लेंथ पर जाकर ये स्ट्राइक करेगा, किस लेंथ पर जाकर ये स्ट्राइक करेगा, तो l लेंथ का वैल्यू हम लोग को निकालना है। अब यहां पर देखिए कि जितने देर में ये यहां से यहां पर आएगा उतना ही देर में ये यहां से यहां पर आएगा, मतलब ये जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो हॉरिजॉन्टल में इसका जो मोशन होगा वो होगा आपका यूनिफॉर्म मोशन, तो उस समय हम लोग वी एक्स इज इक्वल टू देखेंगे तो ये हो जाएगा एल अपॉन टी, देन टी इज इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन वी एक्स, सो वाई इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q e by 2m l स्क्वायर by v x स्क्वायर, तो यहां से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते, सॉरी इसका लेंथ निकाल सकते। अगर पूछता है कि स्ट्राइकिंग के टाइम किस वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा, तो v नेट इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, क्योंकि x तो चेंज नहीं करेगा और वी वाई निकालते हैं तो वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यू यू वाई तो जीरो था प्लस ए टी, ए कितना है क्यू ई बाई एम और t का वैल्यू कितना है एल बाई वी एक्स। ओके, तो इसका वैल्यू यहां पर डाल देंगे तो वी नेट इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू ई एल अपॉन एम वी एक्स का ऑल स्क्वायर। ओके, तो यहां से आप नेट वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक, इसी में पेंडुलम वाला भी प्रॉब्लम पूछा जाता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तो देखते हैं हम लोग आगे की तरफ। ओके, यहां पर देख लीजिए ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और यहां पर कोई ये पॉजिटिवली चार्ज बॉब है जो कि एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है और फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई, जो भी इस पर चार्ज होगा क्यू और एम मास होगा, नीचे क्या लग जाएगा एम जी मास लग जाएगा। तो इसमें कभी पूछता है टेंशन निकालने के लिए, कभी पूछता है डेविएशन निकालने के लिए, तो देख लीजिए टेंशन इधर होगा तो ये वाला थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, देन ये क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा टी साइन थीटा, ये हमेशा इक्विलिब्रियम के केस में पूछा जाता है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम के केस में है तो ऊपर वाला नीचे के बराबर हो जाएगा टी और ये दाहिने वाला बाएं की तरफ, तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी। ओके, ये इक्वेशन वन हुआ, ये इक्वेशन टू हुआ, दोनों को डिवाइड करेंगे देन टी टी कैंसिल और टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई बाई एम जी, देन डेविएशन निकालना है तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स क्यू ई बाई एम जी। ओके, अच्छा अगर ये पूछता है कि जैसे क्वेश्चन में ऐसे देता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ये फिक्स कर दिया है ठीक, और एम जी तो निश्चित रूप से नीचे की तरफ ही लगेगा, तो इसके बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा,
ये हो जाएगा mg, इधर हो जाएगा qe और इधर है टेंशन, ठीक ओके। तो यहां पर अगर एंगल दिया हुआ है थीटा तो पूछता है कि टेंशन कैलकुलेट कीजिए। तो अगर ये यहां पर फिक्स है तो तीन फोर्स लग रहे हैं, यहां पर हम तुरंत लैग्रैंज थ्योरम का यूज कर देंगे ओके। तो ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा 90 एंड दिस इज 180 माइनस थीटा, ठीक। तो लैग्रैंज थ्योरम क्या बोलता है, इसका फोर्स बटा इसके सामने वाला साइन एंगल, इसका फोर्स बटा इसके सामने वाला साइन एंगल, इसका फोर्स बाय इसके सामने वाला साइन एंगल, दैट मीन्स टी बाय साइन 90 इट इज इक्वल टू एम जी बाय साइन 90 प्लस थीटा, इट इज इक्वल टू क्यू ई बाय साइन 180 माइनस थीटा। हम लोग ऐसे कर सकते हैं इसको, टी बाई साइन 90 कितना हो जाता है 1 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस 90 प्लस थीटा, क्या साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा ही रह जाएगा, ठीक। अब इसमें से किसी का भी हम लोग यूज करके निकाल सकते हैं ओके, या यहां से भी कर सकते हैं t sin थीटा इज इक्वल टू qe है तो t इज इक्वल टू qe बाय sin थीटा ओके। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, इसका टेंशन भी निकाल सकते हैं ओके। अब इसमें पेंडुलम का क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि अगर ये ऑस्किलेट कर रहा है और फील्ड का डायरेक्शन हम लोग चेंज कर देते हैं, है ना, तो उस समय टाइम पीरियड क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल रख सकते हैं, वर्टिकल डाउनवर्ड रख सकते हैं, वर्टिकल या अपवर्ड डायरेक्शन में रख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है ओके। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हो जाता है 2π√L/g, ये हो जाता है ओके। अभी यहां पर हम लोग देख लेते हैं, एक सिंपल पेंडुलम है, इसका चार्ज है क्यू, मास है एम, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक। तो यहां पर लगेगा क्यू ई, इधर लगेगा एम जी, ठीक। तो एम जी डैश इधर लगेगा, एम जी डैश जो कि जी इफेक्टिव के साथ है, इधर लगेगा और इधर लगेगा टेंशन, ठीक। अब यहां पर हम लोगों को देखना है कि अगर किसी भी तरह का कंडीशन होता है तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे टी डैश इज इक्वल टू 2π√L/g, क्योंकि लेंथ तो चेंज नहीं हो रहा लेकिन जी जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहां पर जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा √ जी स्क्वायर, क्योंकि ये इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा क्यूई बाई एम, दोनों एक दूसरे के 90 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस क्यूई बाई एम का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा जी डैश के आगे। तो यहां पर हम डाल देंगे 2π√L/g² प्लस क्यूई बाई एम का होल स्क्वायर, होल 1/2 रूट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए कि जी डैश जो है, जी डैश ये ग्रेटर देन जी होगा, जी डैश क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जी हो जाएगा, क्योंकि जी से कुछ तो वैल्यू आएगा जी, और यहां पर टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी रखे हुए हैं, तो जी डैश का वैल्यू जैसे ही ज्यादा होगा टी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, सो टी डैश लेस देन टी, एक्सट्रा टाइम पीरियड से ये क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम लोग डाउनवर्ड लगाते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इधर लगेगा एम जी और इधर ही लगेगा क्यू ई, इधर ही क्या लगेगा क्यू ई लगेगा ओके। तो जी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर जी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा जी प्लस क्यू ई बाई एम ओके। अब यहां पर देखिए फिर जी डैश
ग्रेटर देन जी है तो टी डैश लेस देन टी होगा और टाइम पीरियड टी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी प्लस क्यूई बाई एन। ओके ये हो जाएगा टाइम पीरियड। अगर हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को ऊपर की ओर लगाते हैं ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को हम लोग ऊपर की ओर लगाते हैं ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर देखिए mg तो नीचे रह जाएगा लेकिन qe ऊपर की ओर लग जाएगा, तो वैसी स्थिति में आपका g डैश इज इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस qe बाई सॉरी g माइनस qe बाई m ठीक। तो यहां पर g डैश लेस देन g है तो टाइम पीरियड जो है t डैश ग्रेटर देन t हो जाएगा। ओके तो टी डैश का वैल्यू होगा क्या, तो कहां गया टी डैश का वैल्यू जो होगा टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी डैश के जगह लिखेंगे जी माइनस क्यू ई बाई एन। ओके तो ये हो जाता है आपका सिंपल पेंडुलम का केस। अच्छा अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिसकी रेडियस r है, ठीक। तो यहां पर कोई चार्ज पार्टिकल को q जो है q पार्टिकल इसका टोटल चार्ज है q, इसको छोड़ा जाता है रिलीज किया जाता है, ये नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा और एक्स एक्सिस के अलोंग इधर जाएगा और इनर्शिया के कारण ये आगे चला जाएगा, लेकिन फिर जैसे ही आगे जाएगा ये फिर पॉजिटिव चार्ज उसको फिर से खींचेगा, तो इस केस में ये थोड़ा एसएचएम दिखाने लगता है ऑस्किलेशन एग्जीक्यूट करने लगता है ठीक है। तो उस समय जो टाइम पीरियड होगा ऑस्किलेशन का उसका फॉर्मूला वो निकालते हैं रूट अंडर 2 पाई रूट अंडर है ना एम बाई के होता है, एम हो जाता है इनर्शियल फैक्टर और के हो जाता है स्प्रिंग फैक्टर ठीक। तो उस समय हम लोग कैसे करेंगे इसका कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पर जो फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू ई और सर्कुलर रिंग के कारण किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है ई इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल 3/2। अब यहां पर ये जो होगा सेपरेशन काफी कम रहेगा तभी जाके ये ऑस्किलेशन दिखाएगा, तो उस केस में हम एक्स को इग्नोर कर लेते हैं तो ये हो जाता है इक्वल टू के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर का होल क्यूब करेंगे तो ये आर क्यूब हो जाएगा। ओके तो यहां पर एफ इक्वल टू हो जाएगा क्यू के क्यू क्यू एक्स बाय आर क्यू है ना, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 1 क्यू क्यू एक्स बाय 4 पाई एप्साइलन नॉट आर क्यू ठीक। स्प्रिंग फैक्टर में देखेंगे तो एफ इक्वल टू क्या था माइनस के एक्स है ना, तो के की जगह पर क्या है के की जगह पर ये है तो के इज इक्वल टू क्यू क्यू बाई 4 पाई एप्साइलन नॉट आर क्यू और इस चीज को हम लोग इसमें डाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे तो टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एम बाई के जगह पर क्या लिखेंगे क्यू क्यू 4 पाई एप्साइलन नॉट आर क्यू ठीक है, ये हो जाएगा आपका
दैट मीन इसको भी अंदर लेके आ जाते हैं हम लोग, तो टी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार चौका 16 पाई स्क्वायर एप्साइलन नॉट एम आर क्यू बाई क्यू, ये हो जाएगा इसका टाइम पीरियड। ओके, अगर मान लेते हैं इसी केस में ऐसे हो जाता है कि ये पहले देख लीजिए, इसमें अगर कोई दिक्कत है तो फिर बोलिए। ओके, ये स्प्रिंग है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ है और इस पर नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, तो ये निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, कंप्रेस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करेगा, ठीक। तो यहां पर जो है हम लोगों को मैक्सिमम कंप्रेशन अगर निकालने के लिए देगा तो माइनस जो होता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स, और एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू ई, तो के एक्स इक्वल टू क्यू ई डालेंगे तो क्यू ई बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई बाई के, जो कि आपका हो जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन, वो उसके के पर भी डिनोट करता है। ओके, अगर के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट मजबूत होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट अधिक होगा तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, कम होगा, और अगर ये कमजोर होगा तो ये फिर हमारा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, ठीक। इसको हम लोग चाहे तो फ्लूइड मैकेनिक्स से भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक, देखते हैं कैसे। जैसे हमारे पास एक सोप बबल है, ठीक है, तो इस पर बाहरी प्रेशर पड़ता है, इनवर्ड वाला प्रेशर जो है ये ऐसा रहता है, और एक प्रेशर हो जाता है सरफेस टेंशन के कारण जो कि बाहर की तरफ लग जाता है पीटी। सरफेस टेंशन कितना के कारण प्रेशर क्या हो जाता है इसका, 4T/R ये हो जाता है, ठीक। लेकिन जैसे ही इसको चार्ज दिया जाता है, अगर बबल को क्या किया जाता है, चार्ज दिया जाता है, ठीक, अब सारे सरफेस पर सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज में रिपल्सन के कारण इसका साइज बढ़ना चाहेगा, ठीक। ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, पी आउट पी इन, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण जो प्रेशर है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में इसको बाहर करना चाहेगा, ठीक। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये जो है सरफेस टेंशन वो क्या रहेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक, इनवर्ट डायरेक्शन में। ये इसका वैल्यू रहता है सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन। ओके, तो इस केस में क्या हो जाता है कि पी, अगर ये इक्विलिब्रियम के केस में है तो पी इनसाइड प्लस पी टी इज इक्वल टू पी इनसाइड प्लस पीई इज इक्वल टू हो जाएगा पी आउट प्लस पी टी, ठीक। तो अगर हम लोगों को एक्सेस प्रेशर देखना है तो इनसाइड माइनस आउटसाइड इज इक्वल टू पी टी माइनस पीई। ओके, ये एक्सेस प्रेशर हो जाता है पी एक्सेस, तो ये हो जाएगा 4t बाई आर माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्साइलन नॉट। अच्छा, अगर कोई एक्सेस प्रेशर नहीं है, इफ इफ पी एक्सेस इक्वल टू जीरो, देन उस केस में क्या हो जाएगा, 4t बाई आर माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्साइलन नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ओके,
तो इस केस में आपका 4t अपॉन r इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 4 8 t एप्सिलॉन नॉट बाई r, 8 t एप्सिलॉन नॉट बाई r का रूट। ठीक, ये चार्ज डेंसिटी हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं टेंशन की तो टेंशन t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर r बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अगर हम लोगों को रेडियस निकालना है, रेडियस तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा 4 8 t एप्सिलॉन नॉट, 8 t एप्सिलॉन नॉट बाई सिग्मा स्क्वायर। ये ऐसा हो जाएगा अगर चार्ज निकालने के लिए बोलता है, तो चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q इक्वल टू सिग्मा a। ओके, तो q इक्वल टू सिग्मा का वैल्यू आपके सामने है रूट अंडर 8 t एप्सिलॉन नॉट बाई r। ठीक है, और ये का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 pi r square। इसको अंदर लेकर आते हैं, ठीक, इसको अंदर, या फिर इसमें का 4 जो है उसका 2 बाहर लेकर आते हैं, तो ये और r को अंदर लेकर आते हैं। ठीक, तो यहां पर देख लीजिए कितना हो जाएगा, इसे इधर से जो जो बाहर आने वाला टर्म है 2 बाहर आने वाला टर्म है। ओके, तो 4 × 8 ठीक पाई और आर ऐसे कर देते हैं, अंदर क्या बच गया, टी एप्सिलॉन नॉट बाई आर, और इधर से जो आर स्क्वायर इधर जाके क्या है, आर का पावर 4 हो जाएगा, इधर से काट दिए 3, तो क्यू इक्वल टू 8 pi r रूट अंडर टी, या फिर इसको अंदर ही रहने दीजिए, टी एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। ये आपका चार्ज पार्टिकल, तो जो भी चीज आप निकालना चाहते हैं वो आसानी से निकाल सकते हैं इस चीज में। ठीक, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन बनाते हैं और फिर एंड करते हैं क्लास को। ओके, ये आपके IIT में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है, EI एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, कोई चार्ज पार्टिकल जो है, वो ऐसे 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 करके निकल जाता है। ठीक है, ये इसका इनिशियल पोजीशन A B C D। ठीक, तो पूछ रहा है कि A से D तक जाने में कितना वर्क डन हुआ, सबका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, AB, ठीक है, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, A0, C का कोऑर्डिनेट दिया है 0B और D का कोऑर्डिनेट दिया है 0 0। ठीक, तो हम लोगों को एक चीज देख लीजिए, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंजर्वेटिव होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है। ठीक है, ये नॉन कंजर्वेटिव भी होता है, लेकिन वो कब होता है, जब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड रहता है ना, देन उस केस में होता है। तो यहां पर अभी क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड है, और कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, तो हमारा फाइनल पोजीशन है डी और इनिशियल पोजीशन है ए, तो हम लोग क्या करेंगे, आर निकालते हैं, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, आर इज इक्वल टू हो जाता है बी माइनस
आगे, डी हो जाएगा जीरो आई माइनस सॉरी प्लस जीरो, मतलब ऐसे ये पूरा का पूरा जीरो रहेगा, इस टर्म को हटा दिए और माइनस ए के जगह पर हम क्या कर देते हैं ए आई माइनस सॉरी प्लस बी जे, सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा माइनस ए आई माइनस बी जे और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपको दिया हुआ है। तो वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ डी आर या फिर एफ डॉट आर हम कर देते हैं। यहां पर चार्ज पार्टिकल जो है वो क्यू दिया हुआ है, चार्ज पार्टिकल क्या दिया हुआ है क्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू ई डॉट आर, क्यू ई डॉट आर ओके। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई आई की डायरेक्शन में और आर जो है डॉट माइनस ए आई माइनस बी जे। यहां पर देख लीजिए आई का आई के साथ तो होगा लेकिन जे के साथ क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, इस केस में डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू ई ए, इतना जूल जो है वो वर्क डन हो जाएगा ओके। नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इसके अलावा दूसरे क्वेश्चंस वगैरह सब करेंगे, अभी जो है अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस कैसे बनाने वो देख लिए हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ओके। थैंक यू।